वेल मुझे ना टू बी ऑनेस्ट मुझे बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक रहा है. ऑल्सो मुझे शादी भाग के करने का शौक है. तो मुझे और हाँ शादी भाग के करने का शौक है. यस यू नो खतरनाक चीज़ें करनी है लाइफ में. बट येस डेफिनेटली वो जोड़ा पहन के ना यू नॉट यू यू नो यू फील लाइक अ डिफरेंट गर्ल. यू फील लाइक अ वुमन. यू फील रिस्पॉन्सिबल. एंड इट वॉज अ वाइब. मुझे सरियल लग रहा था ये सब. लहंगा पहनने का प्लान कैंसिल भागने का. वेल ऑफकोर्स लड़का तो था नहीं तभी जिसके साथ भाग सकूँ. शूट करना था मरने वाला सीक्वेंस करना था. बट नहीं इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग. एंड या बहुत अच्छा लगा. चलिए क्योंकि आपने अनाउंसमेंट आज कर ही दिया है कि भाग के शादी करना है. तो तकरीबन कितने सालों में हम देखेंगे आपको कि रिक्स जी? पता नहीं जब लड़का मिल जाएगा तभी बिना बोले आपको दिख जाएगा भागने वाले शॉट. यानी कि भाग के शादी. रितिका बदियारे ने की भाग के शादी. और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो के साथ साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी लोग दे रहे हैं स्टोरी के साथ में. जैसे कि ये देख रहे हैं स्टोरी है लव दिखाने के बाद फिर वो लास्ट में जिस तरह से हार्ट टचिंग है इमोशनल है. तो अब म्यूजिक वीडियो में हम देख रहे हैं स्टोरी भी आ रहा है आपके लास्ट म्यूजिक वीडियो में भी हमें देखने को मिलता है. ये जो चेंज आया हमारी सोसाइटी में ये कैसे देखते हैं? तीनों से जाना चाहेंगे. अभी आप देखेंगे काफ़ी ऐसे मीनिंगलेस सॉन्ग्स बन रहे हैं. मैं ऐसे नाम तो नहीं लूँगा बट मतलब कुछ भी स्टोरीज नहीं होती हैं. कुछ भी वर्ड्स होते हैं समथिंग एंड एक बीट होती है और उस पर लोग इन्जॉय कर रहे हैं. तो हमारा मेन एम यही है कि हम जो हैं थोड़ा सा लिरिकली स्ट्रॉन्ग रखें कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा रखें और जो लोग म्यूजिक वीडियो देखें उनको समझ में आए वो चीज़ वो फील करें. जो आज की थोड़ा सा इसके सॉन्ग आप एनी टाइम आप प्ले करो आपको अच्छे लगते हैं बिकॉज उसमें लिरिक्स होती है. उसमें यू नो यू फील कनेक्शन होता है. कनेक्शन फील होता है. आज भी मैं जब भी मैं यू नो ऐसे खाली बैठा रहता हूँ तो मैं 1980s के ही गाने सुनता हूँ क्योंकि इतने अच्छे लगते हैं वो. उनके लिरिक्स इतने प्यारे होते हैं. उन्हें गाया इतने अच्छे से गए. तो ऐसे गाने आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम बनते हैं. एंड आई थिंक बीलाइव इज डूइंग दैट. देयर नॉट यू नो जस्ट स्निप स्नैप में एक सॉन्ग बना लिया. देखिए देयर टेकिंग टाइम. इफ यू लिसन टू द लिरिक्स इफ यू लिसन टू द होल ऑडियो इट्स सो स्ट्रांग देन दे आर सुपर ओरिजिनल. सो दैट्स अगेन अनदर थिंग दैट आई फील दैट बीलाइव इज गिविंग ग्रेट ऑडियोज आउट देयर. आज भी जिस तरह से ये म्यूजिक वीडियो बनाया गया कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है. आए दिन हम ऐसी खबरें देखते रहते हैं. तो उन लवर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? Well, I would definitely want to say that because वो जो particular scene था when I did it तभी you know you're just acting. कुछ लोग होंगे जो ये सारी चीज़ों के थ्रू गए होंगे. तो I kind of could feel a little bit of pain but also I think we all would like to tell you all that आप भले प्यार में अंधे हो जाते हो but please don't take any hasty steps. टॉक इट आउट विद द फैमिली. कुछ बातचीत कीजिए. डोंट टेक कोई भी टाइप का स्टेप प्यार में बिकॉज कोई चला जाता है लेकिन फिर फैमिली एंड जो रह जाता है दे गो थ्रू द मेस फॉर लाइफ. आई थिंक रितिका इज एब्सोल्युटली राइट. अगर आपके दिल में आपके जहन में ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ गो टॉक टू योर फैमिली. अपने दोस्तों से बात करिए. हिम्मत जुटाइए बिकॉज सुसाइड करना इट्स नॉट एन ऑप्शन. वो कभी थॉट आने नहीं चाहिए आपके माइंड में आपके दिमाग में कि मेरा अगर किसी भी कपल के दो लव बर्ड्स हैं उनका प्यार काम नहीं कर रहा आगे चल के या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन. आप लोग बात करिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है फैमिली की कि जो फैमिली है दे शुड लिसन टू देम. यू नो उनसे बात करें उन्हें समझाएँ ना कि उन्हें डांटें मारें या फिर उन्हें ऐसा फील कराएँ कि उनका कोई है नहीं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द फैमिली. फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ से के लिए यू नो कंफर्टेबल रहें और बात करें. और जिसके अंदर जो जो इस चीज़ से गुजर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इतनी हिम्मत जुटाए कि वो बात करने के लिए खड़ा हो. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अब इन दोनों ने सब कह दिया है. मैं भी बिल्कुल इन चीज़ों के सपोर्ट में नहीं हूँ कि आपको जो प्यार करते हैं इतना सब कुछ और आप किसी और से प्यार करते हैं और आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ वो हमें लाइफ में नहीं मिल पा रहा और इस टाइप के कदम उठाते हैं तो हम बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ फैमिलीज़ को भी हम कहेंगे कि अगर आपके बच्चे किसी को पसंद करते हैं या समथिंग तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए और देखिए कि उनकी चॉइस अच्छी है और उसके साथ वो रहना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक पेरेंट्स वगैरह को. सिद्धार्थ जी क्योंकि मैडम ने तो अनाउंसमेंट कर दिया तो आप बताइए कि आपको भी हम देखेंगे ऐसे भाग के शादी करते हो?
मुझे अपने पैर नहीं तोड़वाने मम्मी से, पहले मैं भाग रहा हूँ पीछे से चप्पल उड़ते मेरे पीछे मम्मी की। सो आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा कोई प्लान है भाग के शादी करना। आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन बट स्टिल आई डोंट नो। गिटार आज आप बजाइए, मैं नहीं बजाता, आज मैं गा लेता हूँ, आज आप गा लीजिए। नहीं नहीं बाजू में ही रखा हुआ है, एक एक से मिल जाए, पूछ लीजिए इधर कोई है ही नहीं। बॉडी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग नहीं आप लोगों ने सुना है।